जल शक्ति अभियान और वन महोत्सव के मद्देनजर नाहन में महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। जल शक्ति अभियान के मद्देनजर नाहन में करीब 90 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। वहीं वन महोत्सव के दौरान करीब 1,23,000 पौधे रोपित किए जाएंगे। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में जल शक्ति अभियान और वन महोत्सव के मद्देनजर अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। जल शक्ति अभियान के तहत नाहन विधानसभा क्षेत्र में करीब 90 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 17 तालाब बनाने का जिम्मा वन विभाग को जबकि 75 तालाब बनाने का जिम्मा विकास खंड अधिकारी को दिया गया है। उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केंद्र के साथ साथ विभिन्न विभागों को इन तालाबों के संरक्षण का जिम्मा सौंपा जाएगा। वन महोत्सव के दौरान सिरमौर जिला में 596 हेक्टेयर भूमि पर करीब 2,18,000 पौधे रोपित किए जाएंगे, जिसके लिए 42 स्थानों को चयनित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बताया कि अकेले नाहन विधानसभा क्षेत्र में करीब 1,23,000 पौधे रोपने की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष जो पौधे रोपे गए थे उनमें से 70 से 90% पौधे जीवित रहने की रिपोर्ट वन विभाग द्वारा दी गई है। हमारे जिले के अंदर भी और विशेष तौर पर नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंदर अच्छी प्लांटेशन हो, उसके लिए वन विभाग के साथ बैठक की है और 1,23,000 पौधे इस वन महोत्सव के दौरान लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 3,500 टॉल प्लांट्स हैं। 23 तारीख को दिन में 2 बजे आमवाला में मैं स्वयं भी जाकर के प्लांटेशन करने के लिए जाऊंगा। पिछले साल जो प्लांटेशन की थी उसकी 70 से 90% तक की और ऐसी रिपोर्ट मिली है कि वो जीवित प्लांट्स रहे हैं। इसी प्रकार नगर के क्षेत्र में 1,800 प्लांट्स लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और ये 26 तारीख को प्रातः 11 बजे विला राउंड में प्लांटेशन करेंगे। इसी तरह से माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जल शक्ति अभियान को देश की महत्वाकांक्षी योजना बना करके शुरू किया है। जल शक्ति अभियान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारा आईपीएच विभाग, ब्लॉक पंचायती राज विभाग सब लोग मिल करके काम करें और समाज की सहभागिता इसके अंदर सुनिश्चित की जाए। इसके लिए तालाब बनाने का टारगेट सभी विभागों को दिया गया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि उद्यान विभाग द्वारा 75% सब्सिडी पर नाहन विधानसभा क्षेत्र में करीब 8,000 नींबू के पौधे वितरित किए जा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।